अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ चार्ल्स डार्विन एंड थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 6 है कैंपबेल बायोलॉजी से। आपको पता है, आप सब ने सुना है डार्विन के बारे में। इसने एक बुक लिखी थी 1859 में, और उस बुक का नाम क्या था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इस बुक में उसने बात की थी दो मेन पॉइंट्स पे। एक हमारा पॉइंट था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, और सेकंड पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन। अभी हम इन दो पॉइंट्स पे बात करेंगे। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास बर्ड्स हैं, 3 बर्ड स्पीशीज दिखाई गई हैं। अब आपको पता है, बर्ड्स के फीचर्स जो मेन होते हैं, हमें देखते ही पता चल जाता है ये बर्ड है, वो सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनके इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा हैं, आगे से हर स्पीशी के बहुत ज़्यादा मेम्बर्स हैं। तो ऐसा इसलिए है, ये जो चीज़ है ये डार्विन के इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के। देखें, उनका इंसेस्टर सेम है, ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट के लिहाज से उनमें मॉडिफिकेशंस आ गई। जैसे यहाँ पे बीक की एग्जांपल लेते हैं हम, कि जो सीड खाएगा बर्ड, ठीक है, उसकी बीक जो होगी वो थिक होगी और सीड को तोड़ने के लिए यूज़फुल होगी। जिसने नेक्टर लेना है उसकी बीक लॉन्ग होगी। यानी ये इनमें इन्वायरमेंट के लिहाज से मॉडिफिकेशंस आ गई। अब डार्विन का जो सेकंड पॉइंट है वो है नेचुरल सिलेक्शन। अब ये दो पॉइंट्स जो थे ना, ये पहले भी साइंटिस्ट ने दिए थे, लेकिन वो टुकड़ों की सूरत में थे, लेकिन डार्विन ने इन सब को कंपाइल कर दिया। अच्छा, अब उसने इन दो पॉइंट्स की बेस पे 3 ऑब्जर्वेशंस बनाई। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो वेरी करते हैं, और वो हेरिटेबल होते हैं, यानी वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या था कि पॉपुलेशन जो है वो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती हैं, वो ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं मेच्योर होते हैं और वो फर्दर ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। सो ये दो पॉइंट्स थे। थर्ड पॉइंट क्या था कि स्पीशीज़ जो होती हैं वो अडॉप्टेड होती हैं अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से। यानी देखें ना, अगर कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं तो बॉडी पर फर होगी, एनिमल्स की बॉडी। अगर आप देखें जैसे पांडा वगैरह हैं जो कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, बियर है, ठीक है, तो वो कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, उस लिहाज से वो मॉडिफाई होते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये था कि स्पीशीज़ जो हैं वो जनरली सूट करती हैं अपने इन्वायरमेंट को। अब यहाँ पे देखें कि दो हमारे पास फॉर एग्जांपल स्पीशीज़ हैं, एक जो है वो वेल अडॉप्टेड हैं अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से, दूसरी जो है वो अडॉप्टेड नहीं है। अब जो वेल अडॉप्टेड है उसके ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होंगे दूसरी के काम होंगे, ठीक है। अब जिसके ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होंगे उसका नंबर आस्ते आस्ते बढ़ता चला जाएगा, और यही चीज़ जो है बेसिकली एवोल्यूशन है कि चेंज इन द जीन फ्रिक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। अच्छा, और अब जिसके ऑफस्प्रिंग्स कम रिप्रोड्यूस करेंगे उसका नंबर कम होता जाएगा और ग्रेजुअली वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, देखें हमारे पास इंसेक्ट हैं, 2 कलर्स में हैं, वाइट और ब्लैक। अब इस पे एक प्रेडेटर जो है वो अटैक कर रहा है, वो वाइट कलर इंसेक्ट को पिक कर रहा है। तो आस्ता आस्ता क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन के तहत जो वाइट कलर इंसेक्ट्स होंगे वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फेवरेबल ट्रेड कौन सी है इन्वायरमेंट के लिहाज से, ब्लैक। तो ब्लैक का नंबर ज़्यादा हो जाएगा और वाइट जो है उनकी ग्रेजुअली एक्सटिंक्शन हो जाएगी। तो ये बेसिकली थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।